नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी अपडेट डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे के अवसर पर कई वैज्ञानिक परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की थी घोषणा। अटल जी ने भारत के सफल परमाणु परीक्षण की घोषणा की थी। मैं सभी देशवासियों को आज के दिन की नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कर्नाटक में किसकी बनेगी सरकार? तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें। 13 मई को आएंगे कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों के नतीजे। वित्त मंत्री महंगाई के मुद्दे पर जनता के साथ बोली, कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक नहीं क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में महंगाई हमेशा अपने उच्च स्तर पर रही। जब यूपीए सरकार थी 10 साल 6% के ऊपर, 6 का महत्व क्या है, 4% कानूनन इन्फ्लेशन रहने का रेट है, उससे प्लस 2% तक, 6% तक कानूनन आप टॉलरेंस बैंड कह सकते हैं, उससे ज्यादा लगातार यूपीए के पीरियड में इन्फ्लेशन ज्यादा था। सुलगता पाकिस्तान पूछ रहा है, कहाँ हैं कप्तान इमरान खान? पाकिस्तान की हालात बद से बदतर। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर समर्थन कर रहे हैं प्रदर्शन। डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने डीसी कार्यालय परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित बैठक में आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, लिया कामकाज का जायजा। कठुआ पुलिस ने अटल सेतु पुल बसोली से 375 टैबलेट शेड्यूल एच ड्रग्स किया बरामद। लोग ठाकुर दास के नेतृत्व में एसडीएम बनी से मिला एक प्रतिनिधिमंडल। कहा, जल शक्ति विभाग तरनाली नाला से पानी की आपूर्ति को जा रही है रोकने। कहा, जिससे 1000 कनाल धान की खेती पर पड़ेगा असर। सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पोल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600।